हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त एंड वेलकम टू एन अनदर वीडियो। यहाँ पे हम लोग रिव्यू करने वाले हैं चारू चंद्र कॉलेज, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, और ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। B++ ग्रेड इनको मिला है NAAC की तरफ से, ठीक है। और इसका आप सबसे पहले इसका आप एड्रेस देखिए, यहाँ पे एड्रेस है ये 22 लेक प्लेस रोड, लेक मार्केट, कालीघाट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 7,29,000। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन का बात करें तो वो रहेगा आपके लिए कालीघाट, और नियरेस्ट बस स्टॉप का बात करें तो वो रहेगा लेक मार्केट, ठीक है। कॉलेज का एक बार आप फोटोज अपना देख सकते हैं, कैसे कौन से कॉलेजेस में आप पढ़ने वाले हो और कैसा इसका चित्र रहता है, तो ये सब सारा देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद हम लोग बात करेंगे मेन चीज़ के बारे में कि कौन कौन से कोर्सेस प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या क्या पढ़ाया जाता है ये कॉलेज में। सबसे पहले अगर यूजी कोर्सेस का बात करें तो यूजी कोर्सेस में यहाँ पे बीए ऑनर्स प्लस जनरल, बीए के ऑनर्स प्लस जनरल दोनों पढ़ाया जाता है। बीएससी में भी ऑनर्स प्लस जनरल दोनों पढ़ाया जाता है। बीकॉम के लिए मॉर्निंग सेक्शंस है ओनली फॉर गर्ल्स, और जो भी बाकी सेक्शंस है उसमें ऑनर्स प्लस जनरल्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है, ठीक है। मॉर्निंग सेक्शन सिर्फ गर्ल्स के लिए है बीकॉम के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए साइंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऑफर किए जाते हैं। साइंस में यहाँ पे बोटैनी ऑनर्स प्लस जनरल हो सकता है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स प्लस जनरल हो सकता है, केमिस्ट्री ऑनर्स प्लस जनरल हो सकता है, मैथमेटिक्स ऑनर्स प्लस जनरल हो सकता है, फिजिक्स ऑनर्स प्लस जनरल हो सकता है, और जूलॉजी भी ऑनर्स प्लस जनरल है, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स। अब ह्यूमैनिटीज का बात करें, मतलब कि बीए का बात करें, तो बंगाली, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, फिलोसफी एंड फिजिकल एजुकेशन, सब चीज़ में आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोई कोई सब्जेक्ट में ऑनर्स प्लस जनरल का सुविधा है और कोई कोई सब्जेक्ट में यहाँ पे जनरल का सुविधा है सिर्फ, ठीक है। कॉमर्स में सिर्फ आपका यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में ऑनर्स करने के लिए दिया जाएगा और बाकी जनरल है, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट क्या रहेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट हमेशा बंगाली, इंग्लिश एंड ऑल्टरनेटिव इंग्लिश ही रहता है, और सेमेस्टर टू में इन्वायरमेंटल स्टडीज रहता है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट के बिना आप लोग ये कोर्सेस नहीं कर पाएंगे, सारे के सारे स्ट्रीम्स में ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे, ओके। आप लोग कोई भी स्कूल से आ रहे हो, या तो CBSE, ICSE, हर चीज़ से आप लोग, हर स्कूल से आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एडमिशन कैसे होता है सर, एडमिशन अभी तक एक्चुअली फॉर्म नहीं निकला हुआ है, एडमिशन का डेट अभी तक बताया नहीं हुआ है। जब भी बताएगा ये चैनल आपको मतलब मैं आपको बता दूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अच्छे से, और इसके बाद में बात करते हैं। यहाँ पे देखिए इसका ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट अराइज हो रहा है तो यहाँ पे charuchandracollege1@gmail.com में आप लोग ईमेल कर सकते हैं इनको, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि फीस कितना लगने वाला है। फीस देखिए अलग अलग चीज़ों का अलग अलग फीस है। ऑफ कोर्स साइंस स्ट्रीम में आप लोग अगर कर रहे हैं तो जूलॉजी ऑनर्स अगर करना चाहते हैं तो करीब करीब आपका 6,000 फीस लगेगा, 6,000 फीस लगेगा हर साल, ठीक है। उसके बाद बोटैनी करने वाले हो तो 6,000 फीस इसमें भी, केमिस्ट्री ऑनर्स में भी 6,000, केमिस्ट्री ऑनर्स विद कंप्यूटर साइंस यहाँ पे 7,750 है, मैथमेटिक्स ऑनर्स अगर कर रहे हो तो 5,380 है, मैथमेटिक्स ऑनर्स विद कंप्यूटर साइंस है तो 6,940 है। उसके बाद फिजिक्स ऑनर्स करने वाले हो तो 5,800 के करीब, फिजिक्स ऑनर्स विद कंप्यूटर साइंस करने वाले हो तो वहाँ पे आपका लगेगा 7,600 के करीब, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने वाले हो तो 5,100 के करीब, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स विद कंप्यूटर साइंस करने वाले हो तो 6,840 के करीब। मतलब कंप्यूटर साइंस लेने के बाद थोड़ा सा फीस ज़्यादा बढ़ जाता है। बीएससी विद प्योर साइंस करने वाले हो तो 5,300 आपका पड़ेगा। उसके बाद बीएससी प्योर साइंस विद कंप्यूटर साइंस वहाँ पे भी आपका 6,800 के करीब पड़ेगा, बायो साइंस यहाँ पे 5,300। अच्छा, ये सारे के सारे फीस फिगर्स अप्रॉक्स हैं, थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, थोड़ा सा घट भी सकता है, इनके ही कॉलेज वेबसाइट में दिया हुआ है लेकिन पुराना डेटा है, ठीक है। मतलब एक साल पहले का 2022 का डेटा है, 2023 में थोड़ा सा फीस बढ़ भी सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ह्यूमैनिटीज़ करने वाले हो तो ह्यूमैनिटीज़ में यहाँ पे 5,000 के करीब यहाँ पे बीए ऑनर्स का जितने भी सब्जेक्ट है, बीए ऑनर्स में जितने भी सब्जेक्ट है 5,000 आपका लगने वाला है। विथ फिजिकल एजुकेशन अगर आप करने वाले हो तो 5,800 के करीब आपका लगेगा। बीए जनरल में आप लोगों को यहाँ पे
4700 के करीब लगेगा, और बीए जनरल विद फिजिकल एजुकेशन करने वाले हो तो 5500, ज्यादा फर्क नहीं है, ऑनर्स एंड जनरल में 200 रुपए का जस्ट फर्क है। बीकॉम ऑनर्स अगर अकाउंटेंसी ऑनर्स करने वाले हो, बीकॉम में तो सिर्फ अकाउंटेंसी ऑनर्स ही अवेलेबल है, तो वो 5000 के करीब आपका पड़ेगा, और बीकॉम जनरल अगर करने वाले हो तो 4870 के करीब पड़ेगा। ठीक है, ये पर ईयर फीस है, ये हर साल आपको फीस पेमेंट करना पड़ेगा, ये फुल कोर्स फीस नहीं है, ये एक सेशन का फीस है, मतलब कि ये सिर्फ एक साल में लगेगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी देखिए, एलिजिबिलिटी हर एक सब्जेक्ट का हर एक एलिजिबिलिटी है। मेनली आप लोग साइंस स्ट्रीम से आ रहे हैं, मेनली आप लोग अगर साइंस स्ट्रीम से करने वाले हो तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों को उस सब्जेक्ट में, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ऑनर्स लेने वाले हो, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एग्रीग्रेड आपको 50% चाहिए और पूरा टोटल में आपको 50% चाहिए। ठीक है, ठीक है, बोटैनी ऑनर्स या तो केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स में सब में एक ही रूल है कि 50-60% आपका पूरा टोटल में चाहिए, और मतलब 50-55% तक वो रिलेटेड सब्जेक्ट में चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बंगाली ऑनर्स का भी वही नियम है, रिजर्वेशन क्लॉज एसटी एससी के लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, एससी एसटी के लिए 10% कम हो सकता है। अच्छा, ये एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबिलिटी है सिर्फ अप्लाई करने तक, कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन होता है, और मेनली कट ऑफ इस कॉलेज का होता है 70%, 65-75% कट ऑफ होगा, आप लोग को आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अटेंडेंस, अटेंडेंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्लियरली लिख दिया है कि 75% अटेंडेंस एक्चुअली रहना चाहिए, 60-75% अटेंडेंस तो क्लियरली बोल दिया है कि रहना ही चाहिए, 60 से नीचे अगर अटेंडेंस गया तो आपको एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया जा सकता है। तो ये सारे बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे फाइंस एंड ऑल यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस के बारे में दिया हुआ है, तो ये ज़रा आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोग इसके वेबसाइट्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो नॉर्मली सीयू कॉलेजेस में इन कैंपस प्लेसमेंट तो ज़्यादा होता नहीं है, एक दो इंसान को लेके जाएंगे महारथी वाले, लेकिन आउट कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पे आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी अंडर ग्रेजुएट वाले कोर्स करते हो तो 15-20K तक आप लोग कमा सकते हो। ठीक है, उतना ही चल रहा है अभी मार्केट में, आप लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ज़्यादा वैल्यू मिलता है। ओके, तो आई थिंक हमने चारूचंद्र कॉलेज का सारा ऑफकोर्स सब का सब चीज जान लिया है, सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जान लिया है। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से छूट गया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और अगर आपने अभी तक ऑल कॉलेजेस का रिव्यूज़ नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिए, उसको डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है लिंक, और यहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, मिलते हैं।